सामने से कोई मैसेज आ रहे होंगे बता पाऊंगा। बस मेरी ये जो मैं लाइव आया हूँ ये कुछ मैं बताने के लिए आया हूँ और कुछ कहने के लिए आया हूँ। और ये एक छोटा सा मैसेज है मेरा आप सबके लिए। ये 24 घंटे तक मेरी वीडियो रहेगी लाइव, इसको 24 घंटे तक आप देखते रहना और मुझे बताना कि आपका क्या सोचना है इस बारे में। जो मेरा सोचना है वो मैं बता दूं। ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो सुसाइड करते हैं या सुसाइड करने का सोच रहे हैं या फिर लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे और वो बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि हमें लाइफ में करना क्या है। तो मेरा एक छोटा सा मैसेज है आप लोगों के लिए। अभी मैं मैसेजेस तुम्हें पता है मैं पढ़ता हूँ, सबसे ज्यादा मैसेजेस के रिप्लाई करना या कमेंट्स पर रिप्लाई करना करता हूँ मैं। तो अभी मैंने रिसेंटली मैं एक मैसेज पढ़ा था एक लड़के का जिसमें वो कह रहा था भाई मैं जिंदगी से बड़ा परेशान हूँ, मैं आपका फैन हूँ। मैं पहले कहता हूँ यार फैन वैन तो कुछ नहीं होता यार, दोस्त हैं हम सारे। तो वो कहता है कि मैं यार जिंदगी से भाई बड़ा परेशान हूँ, ये हूँ, आप तक ये मैसेज पहुंचे या ना पहुंचे, आपके पास बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे लेकिन भाई मैं हिम्मत से टूट चुका हूँ ये वो। तो मुझे काफी ऐसा लगा कि यार ये बातें मैसेजेस में नहीं होंगी उससे। तो मैंने उसको बोला तू यार मुझे अपना नंबर दे, तो उसने सीन करके मुझे नंबर दिया। मैंने उससे फोन पे बात करी, फिर मैंने उससे मिलने को बुलाया। तो मैंने उससे कुछ बातें पूछी, जैसे कि मैंने कहा भाई मिला विला मैंने उसको पहले, मैंने कहा भाई आ तू बैठ चाय वाय पी, मैंने उसे अपने घर पर ही बुलाया। तो मैंने उससे पूछा क्या रीजन है, तो वो कहता है भाई मैंने 12th कर लिया है और घर वाले मेरे को प्रेशराइज कर रहे हैं कि भैया वो ले ले BSc कर ले, मतलब साइंस से पढ़ा हुआ है वो, और मेरे को पढ़ना नहीं है, मेरे को फोटोग्राफी करनी है और मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में। भाई ज्यादा ऐसे चलता रहा तो मैं सुसाइड कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। तो मैंने उसे काफी समझाया, मोटिवेट किया, उसको घर वापस भेज दिया, वो घर चला गया अपना। लेकिन मेरा आप लोगों से सिर्फ एक कहना है, ध्यान रखना इस बात को, मैं कह रहा हूँ ये दिल से बोल रहा हूँ, हमेशा मैं दिल से ही बातें करता हूँ, मेरे अंदर फर्जीवाड़ा है नहीं इतना और मुंह पर बोलने की आदत है। यार इतनी जल्दी किसी भी चीज से हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। मैं भी 23-24 साल का हूँ, जब मैं कॉलेज में जब फर्स्ट ईयर में जब मैं भी स्टैंड अप वगैरह करा करता था तो मेरे घर वाले बड़े मतलब एक वैसी फैमिली से, स्ट्रिक्ट टाइप फैमिली से कि ये छोटे काम है इनको मत करा कर। मैंने 2-3 साल नहीं करा, मैंने बिल्कुल नहीं किया, घर वालों का डर रहता था, बच्चा भी था थोड़ा सा मैं डरता था। धीरे धीरे फिर मैंने लॉ में एडमिशन लिया, फिर मेरे को कहने लगे नहीं ये नहीं करना। मैं कहता था मेरे को लोगों को हंसाना बड़ा पसंद है और मेरा दिमाग इन्हीं चीजों में चलता है कि हंसाया कैसे जाए, कॉमेडी टाइप दिमाग है। तो वो कहते थे नहीं हमें पसंद, तो हमें नहीं पसंद ये चीजें। तो मैं भी बहुत टूटा था, 3-4 साल तक बहुत टूटा टूटा सा रहता था, अंदर से हिम्मत से आ रहा रहता था काफी, मतलब मैं टूटा टूटा रहता था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी इतने सालों में, मैंने कुछ भी मतलब हिम्मत नहीं हारी, मैं बस शांत रहता था, मन को शांत करके रहता था कि यार एक दिन तेरा भी दिन आएगा, कोई नहीं भाई तू अपना दिमाग चला, कोई नहीं। ना मैंने पढ़ाई वेस्ट होने दी, ना सरकार ही, मैंने सारी चीजें ग्रेजुएशन भी करी है, लॉ भी करी है, और मैंने पढ़ाई बीच में भी नहीं छोड़ी, कंप्लीट करके डिग्री लेके तब मैंने सारी की सारी चीजें करी है। अब उसके बाद जो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मत हारा हिम्मत। आप सबसे पहले आपका जो टैलेंट है, जो आपको लगता है ये मेरा इनर टैलेंट है या मेरे को लगता है सिंगिंग में, खेलने में, जिसमें भी लगता है आपको, किस हर एक के बंदे के अंदर एक टैलेंट जरूर होता है भाई, अपने घर वालों के साथ बैठो, बात कर लो, वो मना कर रहे हैं थोड़ा टाइम दो। यार हर चीज रातों में नहीं होती, हर चीज रातों में नहीं होती, हर चीज टाइम लेते हैं। आपको भी लगता होगा अमित ने अभी वीडियो बनानी स्टार्ट करी 18 फरवरी से और बहुत थोड़े टाइम में इसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, 5-4-5 साल की मेहनत है वो। और मैंने वीडियो बनाने से पहले भी बहुत टाइम पहले मैं मन में अपने आप को निचोड़ के रखता था कि यार एक दिन ऐसा आएगा जब मैं भी मेहनत करूंगा, लोगों के सामने आऊंगा, और धीरे धीरे ही आया। मैं पहले डबिंग करता था तो मैं डरता था कि कहीं फेस दिखाऊंगा घर वाले मारेंगे, लेकिन एंड में जब मेरा सब कुछ हो गया मेरे को लगा कि भाई अब देखो स्टेप लेना चाहिए, अब देखो आगे बढ़ना चाहिए। आप अपनी सफलता से सिर्फ और सिर्फ एक कदम नहीं रखो, आप वो लोग स्टेप और आप आगे बढ़ो। जितने भी ये लोग मैसेजेस कर रहे हैं थैंक यू सो मच, आपका प्यार है बहुत, सपोर्ट होती है, मेरी भी मेहनत होती है, साथ ऐसे चलते रहे। यार इन चीजों में कुछ नहीं है कि सुसाइड, यार ये तो एक कमजोरी सी हो जाएगी, आप जरा खुद सोचो क्या आप पालोगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर 4 साल पहले मैं ये सोच लेता कि यार मैं मर जाता हूँ, मेरी जिंदगी बेकार है, तो आज मैं जो कर रहा हूँ वो कर पाता नहीं, कर पाता क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि मैं होता ही नहीं आप लोगों के बीच में। लेकिन आज मुझे कितनी खुशी होती है कि मैं उस बुरे वक्त से लड़ा और मैं आगे पहुंचा और आज लोग मुझे जानते हैं, अच्छा जब लगता है मेरे काम से जानते हैं,
काम अच्छा लगता है लोगों को, तो जब ज्यादा खुशी होती है यही आपकी इंटरनली तौर पे आपको बड़ी खुशी देती है ये चीजें। तो यार मेहनत करने वालों की, मेरा किसी से कंपटीशन नहीं है, मैं किसी से कंपटीशन नहीं रखा करता, मैं सारे इंटरव्यू में भी कहता हूँ मेरा कंपटीशन अपने आप से है, अपने आप से आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर मैं किसी से कंपटीशन रखूंगा तो सबसे बड़ी बात है कि मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ, तो भाई उसके जैसा तो मैं बन ही नहीं पा रहा। अगर मैं कोशिश करने लगूं मुझे भाई जैसा बनना है, अब यार भाई जैसा तो मैं बन ही नहीं पाऊंगा, और जो मेरी इंडिविजुअल पहचान है अमित बढ़ाने की वो भी मैं खोलूंगा। तो बी रियल, बी ओरिजिनल, जैसे आप हो वैसे बनने की कोशिश करो। अगर आपको लगता है कि यार मेरे क्रिकेट में ज्यादा मन है तो क्रिकेट खेलते रहो, घर वाले रोक रहे हैं खेलते रहो, ऊपर वाला आपकी मेहनत देखा है वो एक दिन आपके लिए कुछ ना कुछ रास्ते खोल देगा। मैं भी ये सोचता था भाई सब कुछ खत्म है, लोगों की वकालत करूंगा, एक बंदी बंदी सी जिंदगी में रहूंगा, लेकिन मेरे लिए भी रास्ते खोले ना, मैंने भी एंड में आके स्टेप लिया कि चलो यार करते हैं चीजें। और मेहनत ध्यान रखना, इंसान जो मेहनत करता है ना उसकी कभी हार नहीं होती। आप ये सोचने लोगों, आपने कल सोचा है कि मुझे क्रिकेटर बनना है, परसों आप सोच रहे हो यार मैं क्रिकेटर क्यों नहीं बना, ऐसे नहीं होता, रातों रातों में कुछ नहीं होता यार। ये बॉलीवुड की फिल्में थोड़ी ना है, या अमित भड़ाना की वाइंस थोड़ी ना है कि कुछ भी चल रहा है, मतलब कुछ भी इन द सेंस कॉमेडी सेंस में, हम तो यार कॉमेडी बनाने के लिए कुछ भी कर देते हैं, मैं हंसी आपको हंसी दिलाने के लिए, लेकिन मेहनत रातों रात नहीं होती, मेहनत में महीने भी लगते हैं, सालों भी लगते हैं, लेकिन अगर आप मेहनत करते हो तो आप एक ना एक दिन आगे जरूर बढ़ोगे, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। मुझे, मैं आपसे कभी नहीं कहता यार मेरी लाइक कर दो वीडियो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, कभी वीडियो आती है आपसे बोलता हूँ स्वाइप कर दो, मेरी मेहनत होगी, अच्छा काम होगा, आपको खुद पसंद आएगा। आज मेरे को इतने लोग हैं, मेरे से इतने लोग जुड़े हैं, एक परिवार की तरह हम बन चुके हैं, आपसे मेरा टाइम टू टाइम रिप्लाई में, मैसेजेस में, कैसे भी कोऑर्डिनेट होता है, लेकिन आप मुझे एक बात, कल को मैं बेकार वीडियो देने लगूँ आप मुझे नहीं पसंद करोगे, आप भी मेरे से कहते हो